एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ लाइट रेज इंसिडेंट एट एन इंसिडेंट एंगल थीटा 1 ऑन द सिस्टम ऑफ टू प्लेनर m1 एंड m2 हैविंग एन इंक्लिनेशन एंगल 75 डिग्री बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर m1 इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर m2। ठीक है, देखते हैं एक बार। भाई हम लोगों को दो मिरर दे दिया गया है m1 और m2, ठीक है ना। तो ये वाला मिरर है m1 और ये वाला मिरर दे दिया गया है m2। अब दोनों से एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हुआ है कि पहले m1 पर एक रे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। अब कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो वो एंगल जो है वो दे दिया गया है थीटा 1। और दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो है 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रहा नॉर्मल और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी बता दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड बैक बाई द मिरर m2 विथ एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। तो ये हम लोग का कितना दे दिया गया, 30 डिग्री। तो कन्फर्म है कि ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब नॉर्मल मिरर साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, तो कन्फर्म है कि जो ये वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री रहेगा। तो 60 डिग्री 75 डिग्री, तो ये 135 हो गया। अगर हम लोग 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अगर मिरर नहीं रहा होता तो ये ऐसे जाता, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, डेविएट हो गया, डेल वन पहला डेविएशन। फिर अगर ये M2 मिरर नहीं होता तो रे ऐसे जाता, लेकिन M2 मिरर की वजह से इधर डेविएट हो गया, ये हो गया है डेल टू डेविएशन सेकंड, क्लियर ना। अब हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्लियरली डेल वन प्लस डेल टू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। डेल वन कितना आ जाएगा, बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। तो 180 में से 2 टाइम्स ऑफ 45 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। फिर प्लस डेल टू की बात कर लेंगे तो ये 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। दोनों ही के दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में दोनों जुड़ जाएंगे, 180 में से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। दोनों ऐड होकर कितना जाएगा, 210 डिग्री। तो ये एक इंटीजर टाइप बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 210 डिग्री। वैसे हम लोग के पास डेलनेट निकालने का एक और फॉर्मूला है, कि डेलनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा होता है फॉर्मूला, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर। तो अगर हम लोग डबल कर लें कितना जाएगा, 150 डिग्री। और इसका एक और आंसर क्या हो सकता था, 360 माइनस 2 थीटा। अगर हम लोग 360 में से 150 को माइनस कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। तो डिपेंड करता है कि कैसे करना चाह रहे हैं, अगर ये बेसिक जाएंगे तो ऐसे आ सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मूला याद हो जहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मिरर है, तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से भी आ सकता है। अब किसी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर कौन सा चुनेंगे, 150 की 210, तो ध्यान रखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका ओरिएंटेशन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज की ओर है, और यही वाला आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है ना। 210 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अगर ये रे ऐसे इधर इस M2 पर इंसिडेंट होके M1 से रिफ्लेक्ट हुआ होता तब उस केस में यही आंसर आता, लेकिन तब एक किस्म क्लॉकवाइज में आ जाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ रहे।